अब मेरा सवाल ये कि एक तरफ आज की तारीख में अगर हम लोग 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में बात करें तो एक तरफ है उद्धव ठाकरे की शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, दूसरी तरफ बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना। लोकसभा चुनाव में आप इसको कैसे पैन आउट होते हुए देख रहे हैं? दैट्स द क्रिटिकल पॉइंट। एंड वो लोकसभा चुनाव तक बीजेपी को ये सब स्टेबलाइज करके आगे सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर समझो शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस एक साथ अभी भी रह रहे हैं और वहां एकनाथ शिंदे उनको कुछ ज्यादा ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है तो बीजेपी विल फाइंड इट एक्सट्रीमली चैलेंजिंग एंड दैट्स द रियल डेंजर। बिकॉज वो जब लग रहा था कि एकनाथ शिंदे जी के आने के बाद पूरी हवा बदल जाएगी, बंबई में आसान हो जाएगा, वैसे कुछ नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई दे आर डिलेइंग बीएमसी इलेक्शंस। अभी एक साल हो गया, कुछ महीने भी और हो गए, बीएमसी में कॉर्पोरेशन में इलेक्शन नहीं हो रहे, क्योंकि अगर बीएमसी में समझो इलेक्शंस हुए और शिवसेना तगड़े वोट्स उनको मिले तो मैसेज जाएगा कि ये कुछ चल नहीं रहा है। तो दैट्स द फियर बीजेपी इज हैविंग। उनको अभी लोकसभा इलेक्शन तक ये ऐसा ही चलाना पड़ेगा और लोकसभा इलेक्शंस के पहले, आई एम विलिंग टू बेट ऑन दैट, यू नो, लोकसभा इलेक्शंस के पहले अगर समझो बीएमसी के इलेक्शंस हो गए और उसमें जो हवा नहीं दिखी जो बीजेपी को दिखना चाहिए थी, थिंग्स विल बी डिफिकल्ट इन द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस आल्सो। सो तीन पार्टी एक साथ और उसके बारे में उनको चैलेंज करने वाले बीजेपी और एकनाथ शिंदे फैक्शन, ऐसे ही अगर माहौल रहा तो भाजपा के लिए ज्यादा डिफिकल्ट होगा, उनको ज्यादा प्रयत्न करने पड़ेंगे, थिंग्स विल नॉट बी एज इजी एज दे वर एक्सपेक्टिंग। जो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें, अभी जस्ट आउट ऑफ माय मेमोरी 42 सीटें बीजेपी और शिवसेना के पास, राइट तो और बीजेपी की कितनी सीटें वहां पे हैं अभी आज की तारीख में? 25-26 बीजेपी हैज अ लार्ज नंबर, उसमें लार्ज नंबर तो अगर ये तीनों एक साथ रहते हैं और एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी रहती है तो क्या बीजेपी 2019 के लोकसभा सीटों को रिटेन कर पाएगी नरेंद्र मोदी के नाम पे? दैट्स अ बिग चैलेंज। दैट्स अ बिग, महाराष्ट्र में किसी भी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलेगी क्योंकि स्टेट इज डिवाइडेड दैट वे। शिवसेना का कुछ अपना पॉकेट है, कांग्रेस के अपने पॉकेट है और कांग्रेस के 20% वोट उनके पास होते ही है, और अगर ये जो तीनों लोग साथ में आ गए तो थिंग्स विल बी मोस्ट चैलेंजिंग फॉर द बीजेपी। और एक लार्जर पिक्चर में आप उत्तर भारत से है, आप बिहार से, आप ज्यादा ताल्लुक रखते हैं, सिर्फ बिहार से नीतीश कुमार का बीजेपी से बाहर जाना और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे वाली सरकार गिराना, ये इसका एक साथ ताल्लुक है इफ यू लुक एट इट, बिकॉज बिहार वॉज द थर्ड मोस्ट लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमपी वाला स्टेट था। अगर बिहार भी नहीं भाजपा के साथ चुनाव के पहले जा रहा है और महाराष्ट्र भी नहीं चुनाव के पहले जा रहा है तो भाजपा के लिए और दिक्कत होती थी। तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन व्हाट हैपेंड इन महाराष्ट्र एंड व्हाट हैपेंड इन बिहार। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये सरकार गिराई क्यों और गिरी क्यों और अभी क्यों गिरी, तो इसके सब डॉट्स पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ये कि बीजेपी के लिए 2024 का चुनाव आसान नहीं है महाराष्ट्र के अंदर। तीन वर्सेस एक, ऐसे ही अगर लड़ाई होती रही तो आसान नहीं रहेगा। क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि उद्धव ठाकरे के साथ बीजेपी फिर से हाथ मिलाने की कोशिश करे और एकनाथ शिंदे सारे ग्रुप को एक साथ करके अपनी तरफ ले आए? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी, एनी रिमोट पॉसिबिलिटी? वो संभावना डिस्कस हो रही थी और एकनाथ शिंदे जी ने कहा, उनके जो मंत्री है उन्होंने ही वो किया कि जब उद्धव ठाकरे दिल्ली में थे वो मोदी जी को मिलने गए तो वही अलायंस की बात करने के लिए गए थे। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर बीजेपी के नेशनल लीडरशिप को लगा कि विनिंग बैक उद्धव ठाकरे इज गोइंग टू बी मोर यूजफुल इन दिल्ली, मेरा ऐसा मानना है कि दे विल नॉट वेट फॉर व्हाट्स हैपनिंग इन महाराष्ट्र, दे विल हैव शिवसेना बैक इनटू द फोल्ड। यू आर नॉट रूलिंग आउट द पॉसिबिलिटी? नो, पॉलिटिक्स में किसी पॉसिबिलिटी को कैसे किसी का रूल आउट कर सकते? नहीं, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं क्योंकि 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 एक जो तलखी आज की तारीख में मुझे लगता है कि वो बड़ी निजी व्यक्तिगत तलखी हो गई है उद्धव ठाकरे और अमित शाह, और खासकर उद्धव ठाकरे अमित शाह के बीच में, तो क्या इस तलखी को जो ठाकरे परिवार का अपना जो गुरूर है कि मर जाएंगे लेकिन हम इनके साथ नहीं जाएंगे, तो ऐसे गुरूर वगैरह वो इट्स गुड फॉर द मीडिया, रियलिटी में ऐसे कुछ अगर नेक्स्ट टाइम समझो, आई मीन हाइपोथेटिकली बात करें, अगर मुंबई में अमित शाह जी आ रहे हैं
तो मातोश्री को एक चक्कर लगाई, मातोश्री को फोन किया, तो आई मीन थिंग्स एनीथिंग इज इट्स एब्सोल्युटली पॉसिबल इन टुडेज पॉलिटिक्स. सो वो आई मीन सो थॉट पॉलिटिकल माइंड एंड वो सब चीजें गई अभी कहां. सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर.